नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आप देखेंगे ए लाइन साइड स्लिट कुर्ती बनाने का आसान तरीका। इसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को इस तरह से चार फोल्ड में किया हुआ है। जो विड्थ होती है फैब्रिक की, जो पन्ना होता है, उसी को फोल्ड करके यहाँ पर ये चार लेयर है, जिससे हमारे फ्रंट और बैक दोनों पोर्शन यहाँ से निकल सके। तो जितने आपको लेंथ चाहिए उसी के अकॉर्डिंग आपको ये फैब्रिक लेना है लंबाई के अनुसार। और ये देखिए, ये दो लेयर फोल्डेड और ये चार फैब्रिक की लेयर है। और ऊपर का हिस्सा यहाँ पर फोल्डेड है तो हम इसे कट करके अलग कर देते हैं। अभी यहाँ ये ऊपर की जो लेयर है उसमें हम लोग 1-1 इंच पे मार्क देंगे। ये 1 इंच का मार्क देकर ये 1 इंच में हमें फोल्ड करना है और इसे पिनअप कर देंगे। ये ऊपर की जो दो लेयर है उसी में ये फोल्ड करना है, चारों लेयर में फोल्ड नहीं करना है। तो ये फोल्ड करने के बाद नीचे की जो लेयर है उसकी फोल्डेड पार्ट भाग पे इसको हम प्लेस करेंगे, क्योंकि नीचे का हिस्सा यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। तो इसको वापस फोल्डेड भाग पर लाएंगे। उसके बाद में एक नॉर्मल ए लाइन की कटिंग शुरू करेंगे। इसी फोल्डेड भाग से ही हमें ये पूरी ए लाइन की कटिंग शुरू करनी है, ए लाइन कुर्ती की कटिंग। जितना शोल्डर है उसका हाफ करके यहाँ पर मार्क देंगे। फिर यहाँ से 7 इंच पर आर्म होल का मार्क देंगे। उसके बाद जितना आपका चेस्ट साइज है उसको 4 से डिवाइड करके यहाँ पर मार्क देंगे। और फिर उसके आगे सिलाई का मार्जिन का मार्क देना है। और चेस्ट के मार्क के अंदर की साइड में 1 इंच अंदर लेके हम मार्क करेंगे और इसे शोल्डर के मार्क से मिला देंगे, जिससे हमारा फ्रंट और बैक का आर्महोल यहाँ से निकल सके। हम लोग यहाँ पर फ्रंट और बैक के आर्महोल को ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ ऊपर से जितना चोली का हिस्सा होता है, कमर तक का हिस्सा होता है, शोल्डर से कमर तक यहाँ पर चेक करके यहाँ से हम कमर को 4 से डिवाइड करके यहाँ पर मार्क देंगे। और फिर सिलाई का मार्जिन इसे चेस्ट लाइन से मिला देना है। और फिर कमर की इस लाइन से कॉर्नर तक हमें इसे मिलाना है ए लाइन की तरह। इस तरह से इस कॉर्नर तक हम इसे मिला देंगे। फिर ये जो साइज है यहाँ पर कमर से, इतनी ही साइज हमारी साइड में होनी चाहिए, तो उसका हम मार्क करेंगे, जिससे ये नीचे हमारा ये कर्व का शेप आएगा ए लाइन में। फिर ऊपर हम 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। इसे कट करेंगे बैक पोर्शन के अकॉर्डिंग, यानी कि बैक का जो आर्म होल है उसी के अकॉर्डिंग इसे कट करना है। अभी यहाँ पर हमारा बैक का पोर्शन अलग होगा और फ्रंट का पोर्शन। ये जो फोल्ड किया है ये हमारा फ्रंट का हिस्सा रहेगा और ये नीचे का जो भाग है वो हम बैक का पोर्शन यूज़ करेंगे। तो इसे अलग कर देते हैं। और ये जो फोल्डेड भाग है उसमें हमें फ्रंट का आर्म होल कट करना है। ये कट हो गया है। और ये जो हिस्सा बचता है यहाँ से आप अपनी स्लीव्स निकाल सकते हैं। अगर आपकी स्लीव्स एक नॉर्मल साइज तक चाहिए तो यहाँ से निकाल सकते हैं, वरना अलग फैब्रिक लेना होगा। अभी ये जो फोल्डेड भाग है उसे हम ओपन करेंगे। ये हिस्सा हमारा बैक का पोर्शन है और ये जो फोल्डेड है वो हमारा फ्रंट का भाग रहेगा।
ये पिनअप करके हम इसे ओपन कर देते हैं पूरा। ये पूरा फ्रंट का हिस्सा हमारा, और ये जो साइड में हमारा बैक का पोर्शन पड़ा है इसे हमें साइड में एग्जैक्ट यहाँ पर प्लेस करना है। आर्म होल और साइड का जो हिस्सा है बराबर मैच करते हुए इसे यहाँ पर प्लेस करेंगे, जिससे नीचे हमारा जो फ्रंट का भाग रहा है उसका हमारा सेंटर का पार्ट हमें मिल सके। ये हमारा सेंटर का भाग होगा जिसे मैं मार्क कर रही हूँ, और मार्क करने के बाद यहाँ पर एक हम कट दे देंगे ताकि हमें मालूम रहे कि ये हमारा सेंटर का भाग है। तो बाकी जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, यहाँ पर ओपन करने के बाद ये पूरा 2 इंच एक्स्ट्रा हो जाता है, तो उस साइड में ये हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा रहेगा। तो यहाँ से हम 5 इंच पर एक सेंटर के भाग से 5 इंच पर मार्क करेंगे पूरी कुर्ती में। तो ये हमारा पूरी जो लाइन है उसे कट कर देंगे और ये साइड स्लिट में यूज आएगा पूरा। तो दोनों साइड में 1-1 इंच का हमारा सिलाई का मार्जिन रहेगा। इस तरह से ये फ्रंट का हिस्सा रहेगा और बैक का पोर्शन ही निकल चुका है। और हमें मेन फैब्रिक भी इसी तरह से कट करना है, पर उसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा रहेगी। ये मेरा अस्तर है, मेन फैब्रिक भी मैं यहाँ पर कट कर चुकी हूँ। और जो नीचे का घेरा है उनकी पट्टी फोल्ड करके फिनिशिंग देनी है, दोनों की अलग अलग, अस्तर की अलग और मेन फैब्रिक की अलग। यहाँ मैं पट्टी फोल्ड करके फिनिशिंग दे चुकी हूँ, और जितनी आपको स्लिट ओपन चाहिए उसी का हमें मार्क देना है। तो मैंने शोल्डर से यहाँ तक ये मार्क दिया है ताकि यहाँ तक ये बंद रहेगा, नीचे का हिस्सा खुला रहेगा। तो इतना हमें मार्क देना है, मैंने 32 इंच का मार्क दिया है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ये मार्क दे सकते हैं। फिर इस स्लिट को हम स्टिच करके ज्वाइन कर देंगे शोल्डर से। तो यहाँ पर मैंने 1-1 इंच का ये मार्क दिया है ताकि हमारा ये जो सिलाई का मार्जिन हमने 1-1 इंच छोड़ा है वो एग्जैक्ट रहे और इसकी फिनिशिंग बराबर आए। तो हम इसे स्टिच करके ज्वाइन कर देते हैं। जहाँ तक हमने ये कट का मार्क छोड़ा है वहाँ तक ये पूरी स्लिट ज्वाइंट हो जाएगी। देखिए ये मार्क आ गया हमारा, तो जहाँ तक मार्क आता है वहाँ तक ये स्टिच लेके इसे लॉक करेंगे। ये इस तरह से यहाँ पर सिलाई हो गई है। अभी ऊपर हम वापस आएंगे और यहाँ पर जो सिलाई का मार्जिन है ये इस तरह से इसकी पट्टी फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लेंगे। ये पट्टी फोल्ड करके ये सिलाई पूरे एंड तक आएगी, जो हमारी स्लिट हमने छोड़ी है ओपन। ये देखिए यहाँ से भी ये हिस्सा ओपन है, तो यहाँ पे भी ये पूरा फोल्ड करके इसकी फिनिशिंग आएगी। और यही प्रोसेस हमें दूसरी साइड में भी करना है। ये इस तरह से रहेगा और दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से पट्टी फोल्ड करके इसकी फिनिशिंग देनी है। इस तरह से ये फिनिशिंग होने के बाद ऊपर का हिस्सा ऐसे रहेगा और ये नीचे की स्लिट इस तरह ओपन रहेगी। अभी देखिए यहाँ हम इसे सेंटराइज करके इसे चेक करेंगे कि जहाँ से हमने ये साइड स्लिट रखी है उसका भाग और दूसरी साइड का भाग बराबर है या नहीं। जो सेंटर का नोच हमने पहले दिया है कटिंग करते समय, वो वहाँ से इन दोनों को मिलाना है और ये बराबर मैच हो रहे हैं, यानी कि हमने यहाँ पर जो ज्वाइंट किया है वहाँ पर सिलाई का मार्जिन बराबर लिया था। अभी जहाँ पर हमने ये ज्वाइंट लिया है उसके ऊपर मैं ये
लेस अटैच करने वाली हूँ इसी के ऊपर। ये इस तरह से लेस पूरी हमारी कट के नीचे तक आएगी। ये कट आ गया है तो एक साइड में ये इस तरह से अलग हो जाएगा। एक्स्ट्रा लेस को कट करके इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। और लेस की दूसरी साइड में हमें सिलाई लेनी है। यही लेस हमें दूसरी साइड में भी ऐसे ही अटैच करनी है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर लेस की जगह कोई फैब्रिक बटन लगा के भी इसमें एक नया लुक दे सकते हैं। इस तरह से ये हमारी लेस लग के रेडी है और नीचे ये इसकी स्लिट रहेगी, इसका कट इस तरह से रहेगा। अभी नेक की फिनिशिंग देने के लिए यहाँ पर कैनवास पे हमें हमारे नेक को मार्क करना है। नेक की विड्थ 3 इंच पे और नेक की लेंथ 6 इंच पे इस तरह से मार्क करके ये बॉक्स बनाएंगे। और ये कर्व का शेप देंगे। इस साइड में हम लगभग ये 0.75 इंच एक्स्ट्रा लेके इसे कट करना है। और जैसे हम नेक की फिनिशिंग देते हैं कैनवास की, वैसे ही नेक की फिनिशिंग देनी है। यहाँ पर मैं ये नेक की फिनिशिंग दे चुकी हूँ। इस तरह से ये कुर्ती हमारी बन के रेडी है और ये बहुत ही आसानी से बन जाती है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए। आरी और एम्ब्रॉयडरी की वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछिए। सब्सक्राइब कीजिए सिलाई के रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।